जी हाँ नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गॉसिप वाली गैलरी में, जहाँ पर हम बॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री से लेकर रियलिटी शोज के तमाम सारे एपिसोड्स के बारे में ताजा अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं। हाल ही फिलहाल की बात करें KBC यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के सीजन की बात करें तो साक्षात गोयल जो कि 1 करोड़ का सवाल का सही जवाब देकर करोड़पति बने। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल जाहिर था कि वो था 7.5 करोड़ रुपए के सवाल का, क्या वो सही जवाब दे पाएंगे। साक्षात जो अपने गेम को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और 7.5 करोड़ के सवाल का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अफसोस उनका जवाब गलत निकल गया। आज बताना चाहूंगा कि कौन बनेगा करोड़पति 14 की बात करें, फिर वो ऐतिहासिक पल हमें देखने को एक बार मिला था जब किसी कंटेस्टेंट ने 7.5 करोड़ रुपए के लिए गेम खेला हो। दिल्ली के साक्षात गोयल की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए का सही जवाब देकर करोड़पति बने और ये पल हर किसी के लिए बहुत खास था क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब कोई कंटेस्टेंट शो में करोड़पति बनता है। अभी एक बात जरूर और कहना चाहूंगा आप सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए कि साक्षात गोयल जब 1 करोड़ रुपए का सवाल का सही जवाब देकर करोड़पति बने तो हर किसी के मन में एक सवाल था कि क्या वो 7.5 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। साक्षात अपने गेम को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर बात करें ऐसे में करोड़पति बनकर साक्षात गोयल करोड़पति तो बनने की बात करें नहीं हो पाए क्योंकि आखिरी सवाल का जवाब उन्होंने गलत दिया। वहां मौजूद हर किसी की आंखें उस वक्त नम हुई जब साक्षात गोयल ऑडियंस में जाकर खाली सीट पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। साक्षात को रोता देखकर अमिताभ बच्चन भी काफी ज्यादा इमोशनल दिखे, लेकिन साक्षात ऑडियंस में जाकर क्यों रहे, ये सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति शो में साक्षात कैंपेनिंग के रूप में अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं आए और ऑडियंस में अपनी कैंपेनियन की सीट को खाली रखा था। साक्षात ने बताया जब केबीसी शो पहली बार शुरू हुआ था तो अपनी फैमिली के साथ इस शो को देखते थे और उनकी मां हमेशा उनसे कहती थी कि उनका सपना है कि साक्षात भी हॉट सीट पर बैठे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में साक्षात की मां का निधन हुआ जिससे वो कहीं ना कहीं टूट चुके थे। इस बात के चलते दर्शकों के साथ साथ ऑडियंस में भी बात करें काफी सारी लोगों की आंखें नम हुई। वैसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, साक्षात गोयल जी आप लाखों लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है जो तमाम सारे लोग अपनी फैमिली को इतना प्यार करते हैं, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो आप इतना कॉन्फिडेंट होकर इस पूरे गेम को खेला। सवाल जीत हार का नहीं बल्कि यूं कहें कि आपने लाखों लोगों के दिलों को जरूर जीता है। आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।